हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर एक्स अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx दिया है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन माइनस वन इंटू ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि वन हम ऐड किए हैं, वन को सब्सट्रैक्ट भी किए हैं, तो इसमें सब जब घटाएंगे तो x केवल बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई पावर एक्स dx, और एक बार इसके साथ लिख देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद से क्या करेंगे, x प्लस वन से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम खंडशह समाकलन से सॉल्व करेंगे, केवल इस पार्ट को। तो देखिए, एक फार्मूला होता है, आप लिख दीजिए आई लेट, इसका मतलब होता है कि यदि इनवर्स, इसका होता है आई का मतलब इनवर्स, यल से होता है लॉगरिथमिक, ए से होता है अलजेब्रिक, टी से होता है त्रिगोमेट्रिक, ई से होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसमें देखिए, यानी कि इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ई पावर एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ से हम इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का यदि गुणा दिया हो, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स और पूरे का होल डी एक्स होता है। इतना सूत्र होता है, ठीक है। तो जब इसके हिसाब से केवल इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वन बाई वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो वन अपन वन प्लस एक्स और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, तो ई पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स और ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, वन प्लस एक्स का जब करेंगे तो इसका हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है, इसको स्थिर रहने दिए हैं, केवल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, तो ये माइनस बाहर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये आई इक्वल टू हो गया। अब इसको हम इसके साथ लिखेंगे तो आई इक्वल टू समीकरण हो गया, आई इक्वल टू हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स दिया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये हम दिया क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन वन अपन लाग एक्स माइनस वन अपन लाग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया है पूरे का डीएक्स। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब इसको हम लॉग एक्स को वन अपॉन लॉग एक्स को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स इनवर्स हो जाएगा डीएक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इनवर्स इंटू वन डीएक्स लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि खंडशः समाकलन से इसको हल करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनवर्स दिया है तो फार्मूला हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि यदि इनवर्स दिया है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान के इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम आई वन मान लेते हैं। ठीक है, तो आई वन का खंडशः समाकलन करने पर, ठीक है, जब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग एक्स का इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई लॉग एक्स इंटू यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से देखिए वन का करेंगे तो वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो यानी कि लॉग एक्स इनवर्स और इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन डी एक्स का और यहाँ से पूरे का होल डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन का हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स, जब लॉग एक्स इनवर्स का जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, या यहाँ से लिख सकते हैं एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस ए माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस एक्स अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए तो आई का हो गया, अब आई वन का मान इसको समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, तो आई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, आई वन का मान आई वन का हो जाए, ठीक है, आई वन का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ से देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपान लॉग एक्स, एक्स अपान लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपान लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से देखिए माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर वन का डी, हाँ एक्स हो जाएगा, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स इनवर्स का जब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पर माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और फिर लॉग एक्स का जब करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया था, वन बाई एक्स हो जाएगा यानी कि एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए ए वन अपन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, तो समीकरण जब एक में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पर समीकरण एक में यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पे वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली जो आंसर हो आई इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स मिल जाएगा। ठीक है, नंबर तीसरा देखिए दिया है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इन टू कोष्टक में दिया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सेक एक्स और कोष्टक बंद डी एक्स का हमको क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है,
इतना आपको दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माना आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स अ प्लस ई पावर एक्स का जब इसके साथ करेंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं सॉरी ये अलग है, ये कोष्ठक के बाहर है, तो प्लस यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसका केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खंडशः समाकलन करेंगे इसको, आई वन मान लीजिए, ठीक है। तो आई वन का खंडशः समाकलन करने पर, तो जब खंडशः समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र अभी हम दूसरे वाला क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन दोनों बताए हैं। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में दिया हो तो इसका सूत्र होता है इन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स और पूरे का होल डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आई वन, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो डी अपन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया है, और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन तो ई पावर एक्स डी एक्स पूरे का होल डी एक्स। इतना समझ में आ गया, चलिए देखिए इसका क्या होगा। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स लॉग एक्स, तो डी अपन डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन अपन एक्स, तो वन अपन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स यानी डी अपन डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन अपन एक्स, तो एक्स ये वैल्यू दिया ना तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स का चैन रूल से जब हम एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी अपन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसमें से हम सेक एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो जब सेक एक्स को जब कॉमन करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स और ई पावर एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या मिलेगा यहाँ से, ये आपका आई वन है, ठीक है। तो आई वन आपका मिलेगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। अब आई वन का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम मान समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई इजिकल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से देखिए प्लस दिया इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा लॉग लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।